विजेंद्र भैया राम राम। राम राम जी। राम राम। क्या कौन सी फसल करते हो आप उद्यान की, हार्टिकल्चर की? लहसुन, लहसुन की करते हैं। लहसुन जी? लहसुन। लहसुन में एक एकड़ में कितना खर्चा आता है? एक एकड़ में 10,000 रुपये। 10,000? 10,000। और लगभग कितने का बिक जाता है जब फसल ठीक ठाक आ जाए तो? ठीक ठाक ये छह, ये कम से कम 300 क्विंटल हो जाता है अपने को। अच्छा, 300 क्विंटल। तीन एकड़ में। और रेट पे रहता होगा कि कितना फायदा होगा या? हाँ रेट पे रहता है वो, आज कुछ चल रहा है तो सबसे मिल जाता है, तीन एक लाख रुपये अपने को मिल जाता है बाद में। अच्छा एक बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ जी, कि ये कृषि बिल में प्रधानमंत्री जी ने एक व्यवस्था और की है, उन्हें ये किया है कि किसान चाहे तो फसल बोते समय अगर कोई से करार हो जाता और वो तय करता है कि मैं लहसुन के इतने 1,000 रुपया क्विंटल दूंगा, पहले से ही बोते समय पता चल जाए और आपकी और व्यापारी की पट जाए। अगर कहा कि 10,000 रुपया क्विंटल दूंगा व्यापारी ने, एक उदाहरण के लिए मैं कह रहा हूँ, और आपको लगे कि 10,000 ठीक है, एक क्विंटल के अगर मैं बोता हूँ तो खाद में बीज में इतना खर्चा लगता है, पहले ही बोते समय पता कि इतने रुपया मिल जाएंगे, तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इसमें कोई बुराई तो नहीं है? कुछ भी बुराई नहीं, और जो भी कर रहे हो हमारे हित के लिए कर रहे हो, किसान के हित के लिए कर रहे हो आप। तो किसान ये दूसरा प्रावधान है कि भाई जहाँ चाहो, अगर कोई व्यापारी आया, कोई कंपनी आई और उसने कह दिया कि मैं सोयाबीन 5,000 रुपया क्विंटल लूंगा आपका, वो भैया किसान को पटेगा तो करेगा, नहीं पटेगा तो नहीं करेगा, जबरदस्ती तो है ही नहीं कोई। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो हेलो हेलो, भूपेंद्र बोल रहे थे भैया इंदौर से। कौन बोल रहा? भूपेंद्र। इंदौर से? कहाँ से बोल रहे भाई साहब? विजय सिंह बोल रहा हूँ भैया। भूपेंद्र भैया कहाँ से? विजय सिंह बोल रहा हूँ, मुंडा रहेंगे। भाई साहब लहसुन का बीज लग रहा था आपके पास जो है यार, वो वाला जी, आपके पास जो बीज है वो बीज लग रहा था यार 10 क्विंटल। मेरे पास जो बीज था वो लग रहा आपको तो खरीद लो ना इंदौर से। तो वो इंदौर वाला अच्छा उत्पादन नहीं देता ना, जो आपके पास है वो अच्छा उत्पादन उसका। अच्छा 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 देता, मतलब बीघे की 40 कट्टी नहीं भरता है? 40 कट्टी थोड़ी, एक एकड़ में 300 क्विंटल हो रही ना। हेक्टर वो हेक्टर देखो ना, उसके बाद में ठीक से हेंट लगा के देखो आओ, हेक्टर बोला। हाँ तीन एकड़ में 300 क्विंटल बोल रहे हो आप, तो वही वाला बीज तो मेरे को चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जो आपने सुना बिल्कुल सही सुना, उसके बाद में मैंने क्या बोला, हेक्टर बोला। देखो आप उसको एकड़ का बोल रहे हो ना, आपका वीडियो आप बोला तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। आपके पास ये बीज है कि नहीं है? मेरा बीज मेरे लिए है यार, थोड़ा बहुत तो दे दो आप 10 क्विंटल। आप मेरी बात समझ रहे हो? मेरी बात जो आपने जो सुना बिल्कुल सही सुना, जो उसके बाद में मैंने क्या बोला हेक्टर का बोला। सुनो आप ठीक है, सुनो आप, हेक्टर का तो कोई जिक्र ही नहीं आ रहा उसके अंदर। अगर भैया नहीं आए तो मतलब सुनो आप, उसको हैंड पे लगा तो सुनो सर, 20 बार सुनने के बाद में तो आपको फोन लगाया मैंने, काहे के लिए लगा था मैंने। उसमें एक जो आप एकड़ का कह रहे हो उसके बाद में हेक्टर का बोला, 3 एकड़ का बोल रहे हो आप, 3 एकड़ में 300 क्विंटल। हमको तो वही बीज चाहिए भाई साहब जो आपने शिवराज सिंह चौहान को बोला, 3 हेक्टेयर का बोला। अच्छा सुनो एक बार फिर सुनो, फिर लगा 3 हेक्टेयर का ही बोला आपने, 3 हेक्टेयर का ही बोला, 3 हेक्टेयर का ही बोला और 300 क्विंटल का बोला आपने, और एक एकड़ में 10,000 रुपये का खर्चा है एक बीघा। मैंने मेरा एक बीघे भाई साहब यार, अगर कहीं बीघे का अगर उसमें जिक्र होता हो ना तो आप जो बोलोगे वो हम हार जाएंगे। वो उन्होंने बोला होगा एकड़ का, आपने बोला ना कि एक एकड़ में 10,000 रुपये का खर्चा है बीघा का, वो कुछ हो गया सुनने में आपको सुनने में थोड़ी, आपको तो वो इंटरव्यू अभी हमने व्हाट्सएप पे देखा ना, तो हमको हमने सोचा हम भी ले लें ये वाला बीज। नहीं नहीं बिल्कुल अच्छी बात बताई आपने, मैंने हेक्टर का बताया पूरा, हेक्टर का 300 क्विंटल 15 बीघे में नहीं होता है, 40 कट्टे बीघे में नहीं होता भाई साहब, एक हेक्टर में हो जाता, लेकिन एकड़ का कहाँ हो जाओ जिक्र हो उसमें, पड़ता नहीं होता। तो उसके बाद मैंने रिप्लेस करा ना, सुनो तो सही आप, सुनो तो सही आप, उसके बाद में सुनो आप। अच्छा एक हेक्टर में कितना हो जाता है? एक हेक्टर में कैसा, एक हेक्टर में कितना उत्पादन हो जाता है सोयाबीन लहसुन कैसा, एक हेक्टर में कितना उत्पादन हो जाता है लहसुन का? मैंने बोला ना 100 हो जाता ना, 100 क्विंटल
पच्चीस चौक सौ ज्यादा हो जाता है इसके हिसाब से तो। भैया आपके यहाँ बीघे बड़े इंदौर जिले में? मैं छोटा ही, हम तो उज्जैन जिले की बाउंड्री पे जमीन है हमारी। मेरा मानना है कि जैसे कि 3 एकड़ का बताया था मैंने, 300 क्विंटल बताया था मैंने उनको, 3 एकड़ वो आपने सही सुना, वो एकड़ के बाद में फिर मैंने तो सत्ता। आपका गांव रोड पे अंदर कहीं? अंदर ही है मेरा तो गाँव। रोड पे नहीं, चक्का जाम हो जाए ऐसा, शिवराज सिंह चौहान को बुला ले वहाँ पे। अरे अच्छी बात है भैया, बहुत बहुत खुशी। हाँ तो कुछ चक्का जाम होगा जब तो किसान की स्थिति सुधरेगी, आप जैसे तो बर्बाद कर देंगे देश को। आपका कहने का मतलब पड़ रहा है, आप जैसे लोग देश को बर्बाद कर देंगे, आप जैसे लोग किसान को बर्बाद कर देंगे, आप जैसे लोग किसान को सल्फास खाने पर मजबूर कर देंगे। नहीं नहीं नहीं, जैसे आपका कंडीशन, आपने 100 किसान के सामने बोला है। एक बीघे में क्या खर्चा, आपसे पूछ रहा हूँ मैं। एक बीघे में खर्चा? हाँ बता दो, आप ही बता दो। मतलब बीज भी तुम्हारा रहेगा हमारा रहेगा? नहीं बीज कुछ भी बोल लो आप, तो एक बीघे में क्या लग रहा है आपको, क्या बता दो। एक बीघे में 3 क्विंटल लहसुन लगती है बोने के लिए। कितने साल से बो रहे हो लहसुन अब? कितने साल से लहसुन बो रहे हो? तो मैं तो 3 साल से बोल रहा हूँ। मैं तो 30-35 साल से बोल रहा हूँ। तो कितने लगाते एक बीघे में लहसुन, कितने लगा देते हो? हाँ 10,000 का बताया ना मैंने आपको। 10,000 में काम करना, 7-20 लगा देना मेरे यहाँ। जब मानू आपको 10-20 7-20 लगा देना। बीघे तो छोड़ दो आप, बीघे तो छोड़ दो भाई साहब, आप तो 7-20 में लगा देना मेरे यहाँ ना। एक 10,000 रूपए दूँ आपको मेरे, आपका मेरे, उन्होंने मेरे बारे में पूछा, मेरे बारे में बता दे मेरे को जैसा लगता है। आप जैसे लोग तो देश को तरक्की नहीं अंदर, ऐसे लोग तो बीघ के ना बर्बाद कर रहे हिंदुस्तान को। मध्य प्रदेश का पूछा थी मेरे से, मेरा पूछा भाई आपको कितना के खर्चा था, मेरे बता दिया मेरा खर्चा। तो आप जैसे लोग तो किसानों को सरपास खाने में मजबूर कर रहे हैं। आपको ज्यादा लगा था मान लीजिए, आप करीब हमारे। तो आप सही साहब बोलो ना, आपको नॉलेज ही नहीं, आप खेती करते हो ढोर चराते हो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई बात। आप सुनो, जानवर चराते हो कि खेती करते हो? मैं ये पूछ रहा हूँ, एक बीघे में बीज कितना लगता, जानकारी है आपको? 2 क्विंटल लगता है वो। 2 क्विंटल में लोकर लगा दोगे? अरे तो बीज स्वयं का है। चलो बीज, बीज स्वयं का, उसका उसके अलावा 10,000 रूपए में खर्चे। एक काम करो आप, एक काम करो, 10,000 चलो मंजूर है, 20 स्वयं का मेरा, फिर भी एक एकड़ में 10,000 रूपए में कर दोगे पूर्ति आप? आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो मेरे। हाँ चलो आपके यहाँ कर दोगे 10,000 रूपए में एक एकड़? एकड़ का कहाँ बोला, बीघे का बोला मेरे भाई। बीघे का जिक्र हो उसके अंदर, एकड़ का जिक्र कर रहे हो आप? नहीं नहीं, मैं तो बीघे का। आप एकड़ का जिक्र कर रहे हो, उसमें बीघे का कहाँ करा आपने? नहीं नहीं नहीं, बीघे का। भाई साहब पूरी किसान यूनियन आपके घर पे धरना देगी 2-3 दिन बाद। स्वागत है, पूरी पुनित स्वागत थोड़ी है आपको, जवाब और आपको माफी मांगना पड़ेगी सबके सामने। भाई मैं क्यों माफी मांगू? क्यों? आपका जवाब आपका इंटरव्यू। नहीं नहीं, वो तो ठीक है। 10,000 रूपए एकड़ में कर दोगे खर्चा? एकड़ का नहीं हो तो बीघे का है। नहीं, आपने एकड़ का जिक्र किया उसके अंदर, आपको माफी मांगना पड़ेगी लाखों लोगों के सामने। नहीं नहीं नहीं, तो आपको नॉलेज नहीं खेती करना, काहे के लिए खेती कर रहे हो फिर, नॉलेज नहीं है तो? नहीं 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 नहीं, तो आपने जिक्र किया ना, 1 एकड़ 10,000 रूपए का खर्चा होता है, शिवराज सिंह के सामने किया आपने? नहीं नहीं नहीं, मैं तो बीघे का। आप फूक करना चाह रहे हो मतलब? आपके घर के सामने धरना प्रदर्शन होगा जब जाकर सही बात करोगे? अरे आप तो बड़े भैया हो मेरा। नहीं, बड़े भाई क्या करेगा इसके इसके अंदर, बड़े भाई क्या करेगा? नहीं 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 नहीं, काहे के लिए कर रहे हो ये गलत सीधी झूठी झूठी बात, काहे के लिए कर रहे हो? आपको नॉलेज ही नहीं है, खेती कर रहे हो जानवर ढोर चराते हो? आप जो खर्चा हो रहा आपके माध्यम से, आप 10,000 रूपए में 1 एकड़ का करवा दोगे क्या मेरे को, 1 एकड़ का? एक काम करो, मेरी बात सुनो, 10,000 रूपए में लहसुन उगी उगा को घर में कटवा लेना आप। तो जब मानुआ कहा 10,000 रूपए में कटवा के घर में करवा लिया आपने? नहीं 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 नहीं, तो 6,000 रूपए बीघे तो काटने वाला लेता है उखाड़ के? नहीं कैसे, कहाँ बोने गए, कहाँ खाद गया, कहाँ पीस गया, नॉलेज है आपको? अच्छा 18-19 का बीमा मिला आपको? हाँ मिल गया मेरे को तो। अच्छा अच्छा अच्छा, 37,000 मैं भी बीजेपी से हूँ, 37,000 रूपए मिला, 31,000 रूपए मिला मेरे को बीमा, लेकिन आप नॉलेज कैसा दे रहे हो लोगों को, किसानों को इंटरव्यू में, किसानों को क्यों सनपास खाने पर मजबूर कर रहे हो आप? ऐसी कोई धारणा नहीं मेरी। नहीं, आपकी धारणा है ना, आपके पूरे मध्य प्रदेश में बहिष्कार हो रहा है आपका, आपके घर पे 2-3 दिन में धरना होगा इसका, झूठी जानकारी देने के लिए। आप एक काम करो, मेरे लहसुन करवा दो 10 बीघे की, 5 एकड़ बनता है 5 एकड़। आपका कहने का मतलब कि मैं, अच्छा बता दो आपको पूछ रहा हूँ। नहीं, आप गलत काहे के लिए जानकारी दे रहे हो, सही दो ना। अच्छा सुनो, आपको एक बीघे में कितना, एक बीघे में आपको कितना खर्चा हो रहा है आप ही बता। एक बीघे में 6,000 रूपए तो उखाड़ने वाला लेता है, उखाड़ के ना काटने वाला।
पूरा बताओ, पूरा बताऊं? 1500 रुपये बोने वाला लेता है, पूरा खर्चा बता दो भाई। हाँ बता रहा हूँ ना, पूरा खर्चा जोड़ो ना, 1500 रुपये बोने वाला लेता है, लेता कि नहीं लेता है? 40,000, 50,000 कितना होता है? आप नॉलेज, आपको मेरे से ज्यादा नॉलेज है ना, आप इंटरव्यू दे रहे हो, आपको ज्यादा है, मैं तो बहुत किसानों को काय के लिए मजबूर कर रहे हो, सलपास खाने के लिए? नहीं नहीं कोई तो और क्या नहीं कर, आपको नॉलेज ही नहीं है। अच्छा बताओ आपको डीजल कितना पूरा? आप किसान हो तो गाय का मोरा बना दोगे क्या? आपको पूछ रहा हूँ मैं, एक बीघे में 17,000 से 18,000 रुपए खर्चा आता है, बीज छोड़ दो तो। अच्छा और ये 40,000 आ जाता है ना? 17,000-18,000 रुपए। अच्छा जी, हाँ जी 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 जी, हाँ तो जी जी क्या कर रहे हो? जी 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 क्या कर रहे हो आप ये? हाँ अनुभव से बात करा करो, नहीं तो मतलब इंटरव्यू नहीं देना था आपको। नहीं अरे ऐसा कुछ भी नहीं। अरे ऐसा कुछ कौन सी बात कर रहे हो कि कुछ भी नहीं है? बहुत बड़ी बात बोल रहे हो आप ये। 40,000 का आप सुनो, 18,000 रुपए बीघे का खर्चा लहसुन के अंदर, आपको अनुभव है कि नहीं है? फिर मैं जोड़ को बता दूं आपको, डीएपी की बोरी कभी डाली कि नहीं डाली? इपको डाला कि नहीं डाला? दवाई डाली कि नहीं डाली कभी लहसुन में? ठीक तो आपको मतलब कह रहे हैं कोई किसान बोई नहीं, मतलब उसको नहीं किसने बोला कि नहीं बोने का? कौन बोल रहा है? आप तो अभी बोल रहे हो, चुतिया बना रहे हो, हम तो बहुत दिन से बोल रहे हैं। हम मतलब अपनी अपनी बोलो, अपने अपन आए, अपनी दोगुनी करो, दूसरा किसान नहीं करो तो भाई साहब राय दो ना, सही साथ अनुभव दो ना। कौन बोल रहा है आपको गलत देने का? मैं मतलब 40-50 हज़ार बीघे खर्चा बता दे तो वो 40,000 आपको 40,000 किसने बोला? एक्चुअली जो एक्यूरेट खर्चा है ना, आपको पता है देवास आपके गाँव में आने का 20 रुपये किराया, तो 20 रुपये बताओ ना, 5 रुपये काहे के लिए बता रहे हो आप? उनको अपन चला भाई, अपन तो आय दुगनी करने के लिए बताया उनको, तो आय दुगनी झूठी झूठे झूठे विश्वास से कर दोगे दुगनी आय क्या? मतलब ये बिगड़ जानकारी से दुगनी आय कर दोगे क्या? नहीं नहीं वो नहीं है, दुगनी आय हो जाएगी। दस रुपये अपनी 10 रुपये का दूसरे किसान, आप 10 रुपये और सही सा जानकारी दो। अनुभव नहीं हो तो मेरे पास आओ, मैं दूं आपको। आपको ज्यादा अनुभव है? आप नहीं, आपसे ज्यादा अनुभव ऐसे ही मेरे को तो वही तो कह रहा हूँ। हाँ बिल्कुल है, और आपको माफी मांगना पड़ेगी इस मामले में क्या? ठीक ठीक, इस मामले में आपको माफी मांगना पड़ेगी। अभी किसानों को निपट जाए तो आपके घर पे लेके आएंगे सबको, के 10,000 रुपये एकड़ में खेती करवाते लहसुन की, करवाना पड़ेगी आपको। ठीक ठीक।